लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा का सियासी माहौल गर्म है। सत्ता से बाहर होने के बाद जननायक जनता पार्टी लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपनी जमीन बनाने में जुटी हुई है। गौरतलब है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र के मैदान में भाजपा इंडिया गठबंधन की ओर से आप व इनेलो ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उनका यहां से कोई नाता नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जीतकर केंद्रीय सत्ता में शामिल होने के प्रयास में है, लेकिन यहां की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। ये कहना है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का। वो शुक्रवार को अपनी पार्टी जजपा की ओर से चुनाव मैदान में उतारे गए पालाराम सैनी का नामांकन भरवाने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने सैनी समाज भवन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहां अधिकतर प्रत्याशी बाहर के ही जीतते रहे हैं और इस बार भी भाजपा इंडिया गठबंधन व इनेलो से बाहर से ही प्रत्याशी को उतारा है, जबकि यहां के कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी गई है। ये प्रत्याशी धन बल के आधार पर चुनाव जीतने की फिराक में है, लेकिन अब जनता स्थानीय प्रत्याशी को ही अपना प्रतिनिधित्व सौंपने का मन बना चुकी है। बालाराम सैनी जी और डॉक्टर किरण पुनिया कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा दोनों लोकसभा के नामांकन और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सम्मान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बैकवर्ड समाज को दिया है, खासतौर पर सैनी समाज को जिनका रिश्ता चौधरी देवीलाल जी से लेकर अब तक कुरुक्षेत्र की धरा पर रहा है, कुरुक्षेत्र एक नया इतिहास रचेगा। ये तीनों भारी उम्मीदवारों को बाहर भेजकर अपने खुद के सुख दुख के साथ ही पालाराम सैनी को भारी बहुमत से जिताएगा। और मैं तो कहूँगा इस बार लड़ाई जो है वो लड़ाई ठाडे के साथ कह लो लोकल की है, और ये पैसे की पावर से तो जरूर चुनाव लड़ रहे मगर जनता की ताकत से, वोटों की ताकत से अगर कोई लड़ेगा तो पालाराम सैनी लड़ेगा और भारी बहुमत से अपना सांसद कुरुक्षेत्र की जनता जिता दी। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो नामांकन 6 तारीख तक, समय क्यों कम है। चुनाव तो 5 दिन में बदल जाता है और 5 दिन के अंदर चुनाव के समीकरण जितने परिवर्तित होते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। दुष्यंत की पार्टी छोड़ के जा रहे हैं लोग, फिर लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये तो समय की बात है, मगर मजबूती कार्यकर्ता देते हैं और आज सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत भी दिखाई है और पालाराम को चुनाव जिताने के लिए समर्पित होकर सभी साथी। दुष्यंत जी कह रहे हैं इन कंपनी ने जो 4 करोड़ का आपके खिलाफ, अगर आपके पास कोई अकाउंट है तो आप दे दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी इसके अंदर कानूनी कार्रवाई करूंगा इसे दुष्प्रचार करने।